हेलो गाइस और नमस्ते। आज हम जा रहे हैं वहाँ, तो थोड़ा तो सस्पेंस है, बट डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो अपने साथ आपको लेके ही चलती हूँ कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। तो एक छोटी सी हिंट ये है कि मुझे और आशु को तो काफ़ी लकी फील होता है कि हमारा अपार्टमेंट इस जगह के एकदम सामने है, बिकॉज इट हैज़ मेड आर लाइफ सो ईजी एंड कम्फर्टेबल। क्योंकि खाना तो अब रोज ही खाना है ना, और भले ही आप कहीं भी रह लो, आप इंडियन हो तो आप इंडियन खाना ही खाओगे, तभी एकदम सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको, राइट? तो आज हम जा रहे हैं एक इंडियन स्टोर पर, और ये ऐसा वैसा इंडियन स्टोर नहीं है, ये है ब्रसल्स का फेमस द गगनदीप इंडियन स्टोर। वैसे तो ब्रसल्स में 5-6 हैं वेल नोन इंडियन स्टोर हैं, बट पॉपुलर यही है, लोगों को यही पसंद है। शॉप के बाहर सीजनल फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो है ही, लेकिन शॉप के अंदर घुसते से ही बेल्जियम खत्म हो जाता है और इंडिया शुरू हो जाता है। आपको हमेशा ही यहाँ पे कोई ना कोई एकदम वार्म वेलकम देगा और ग्रीट करेगा। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। फेस्टिवल्स और सीजन के हिसाब से स्पेशल मिठाइयाँ भी आती हैं, अगरबत्ती और MDH और एवरेस्ट के सारे मसाले, और यहाँ पर आपको हल्दीराम के नमकीन और दालें सब मिल जाता है। इनफैक्ट सारे अचार भी मिलते हैं। मेरा तो फेवरेट चिंग्स की चटनी है, तो मैं अचार नहीं लेती, बट चिंग्स चटनी भी मिल जाती है यहाँ पर, जिससे खाना काफ़ी यम्मी और चटपटा हो जाता है। फ्रेश डोसे का बैटर और पनीर भी मिलता है यहाँ पर, अलग अलग तरह के राइस भी मिलते हैं। आपको जो भी कुक करना हो, जो भी आपकी रेसिपी है, उस हिसाब से आप राइस लेके जा सकते हैं। MTR और ऐसी कुछ कंपनियों के रेडी टू कुक मील्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पर। और इस छोटे से केव में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे आटे मिलते हैं, बेसन, रवा, मैदा, एवरीथिंग। ये है हमारा फेवरेट, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड, रेडी टू ईट आपको नान और कुलचे, गार्लिक नान भी मिलते हैं। तो हम वीकेंड्स पे अक्सर पनीर की सब्जी के साथ गार्लिक नान बनाते हैं और यहीं से लेके जाते हैं। आज मुझे यहाँ से लेना था 1 kg का सोना मसूरी के राइस का पैकेट, तो मैंने वो ले लिया है। और क्योंकि मैंने आते से ही देखा था फ्रेश मेथी आई थी, तो मैंने मेथी भी उठा ली, क्योंकि मेथी के पराठे किसको पसंद नहीं है यार। और पसंद से देखिए, आशु ने अपनी पसंद की चीज़ यहाँ से मटरी उठा ली, और अब हम आ गए दुकान के कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में, जो कि फ्रंट में ही है। तो यहाँ पर आपको इंडिया के सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और कभी कुछ नहीं भी हो तो यहाँ पे अंकल इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली, आप उनको बोल सकते हैं और वो कुछ ही दिनों में आपके लिए अवेलेबल करवा देते हैं। इनफैक्ट आपको मिक्सी और इंडियन कुकर और बर्तन चाहिए, वो भी इस शॉप में है, और नहीं होते हैं, अगेन इट्स ईजी, यू रिक्वेस्ट एंड विद इन अ वीक यू विल गेट इट। और इट्स दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे बिलिंग तो हो ही जाती है और अंकल से काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन भी होती है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, काफ़ी जोक्स भी सुनाते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड फीलिंग ऑलवेज, यू नो, कमिंग हियर एंड बाइंग स्टफ। और इसलिए मैंने आपको बोला था, इस गेट के बाहर बेल्जियम ज़रूर है, लेकिन गेट के अंदर आप आते हैं तो इंडिया शुरू हो जाता है। यू लिसन टू योर ओन लैंग्वेज, यू सी थिंग्स विच यू हैव ग्रोन अप अराउंड विद, ठीक है? तो वहाँ का फूड, मसाले हो, नमकीन हो, मीठा हो, मिठाइयाँ हो, और मीठी मीठी बातें हो इंडिया की। सो गाइस, ये था हमारा एक्सपीरियंस इंडियन ग्रॉसरीज ब्रसल्स में खरीदने का। अगर आप यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो दे ऑल्सो ऑफर यू होम डिलीवरी। वी होप यू लाइक टुडेज वीडियो एंड एंजॉयड आवर एक्सपीरियंस। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।